हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर बेल स्लीव्स बनाना बता रही हूँ। ये मैंने ऊपर की स्लीव्स की कटिंग की हुई है, कि दोनों स्लीव्स हैं। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम तरीके से, और इनकी लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी हुई है। तो आप इनको इससे थोड़ी छोटी भी रख सकते हैं और बड़ी भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर ज़्यादा लंबी बाजू पहनना चाहते हैं तो इसको आप 14 या 14.5 इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो आप 13.5 इंच रखें। इसके बाद मैंने मैचिंग का चकोर कपड़ा लिया है और इसके एक सिरे की लंबाई 18 इंच है, यानी चारों तरफ से ये 18-18 इंच है। और मैं आपको एक स्लीव्स बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन जब भी आप इसकी कटिंग करें तो आप दो हिस्से रखें, यानी कि जैसे मैंने एक हिस्सा रखा हुआ है इस तरह से आप दो हिस्से रखें तो आपकी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम अपनी स्लीव्स लेते हैं और हमारे इसका जो बंद हिस्सा है और हमारी स्लीव्स का जो बंद हिस्सा है उसको हम इस तरह से रखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ये चौड़ाई कंप्लीट आ रही है, तो हम यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और अपनी स्लीव्स को हटा लेंगे। और इसके बाद सबसे छोटा हिस्सा हमारा ये है, यहाँ से हम इसको नाप के देखते हैं तो ये करीब करीब हमारा 10 इंच है। तो हम यहाँ से 10-10 इंच पर निशान लगाते जाएंगे, इसी लाइन को देखते हुए। इधर से भी हम इसी लाइन पर रखेंगे और इंच टेप को घुमाते जाएंगे और 10-10 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। ये निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पर हल्की सी, जैसे मैंने सीधा निशान लगाया तो, लेकिन आपको हल्की सी गोलाई करनी है इस तरह से, तब आप निशान लगाएं। यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है, इसके बाद हम इसी लाइन पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम बुकरम लेते हैं। देखिए, जैसे यहां से इसकी है, इस शेप में कटिंग हो रही है गोल, तो मैंने दूसरी स्लीव्स की जो डिजाइन बनाया उसके लिए कटिंग की हुई है। तो आपका हिस्सा सीधा भी हो सकता है इस तरह से बुकरम का, लेकिन मैं इसी हिस्से पर कटिंग करूंगी। आपको इस तरह से जो हमने इसकी कटिंग की है इस तरह से उसको बुकरम को रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे इस हिस्से की करीब करीब इसी शेप में कटिंग हो रही है, लेकिन आपको इस तरह से रख के, अगर आपकी बुकरम सीधी है ऐसे रखिए और इसी शेप में आप निशान लगा दीजिए। इधर से भी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहां से ये कटिंग करने के बाद यहां से 1.5 इंच पर इस निशान, इस कटिंग से 1.5-1.5 इंच पर आप इस तरह से निशान लगाते जाइए। मैंने ये निशान लगा ली है और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये पहले हम यहाँ से इस हिस्से की कटिंग कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको एक स्लीव्स बनाकर दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से दोनों हिस्सों की कटिंग करनी है, यानी इसी पट्टी को रखकर आप दूसरी बाजू के लिए भी कटिंग कर लें। इसके बाद हम एक बुकरम का चकोर हिस्सा लेते हैं और इसका एक सिरा 2 इंच का है, यानी ये चारों तरफ से 2-2 इंच है। और इसके बाद हम इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर एक बार और फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर यहां से इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 इंच से थोड़ा सा कम है ये हिस्सा, इस तरह से निशान लगाएंगे जो ये हमारा घूम के यहां पर पूरा आ जाए। आप निशान लगा लीजिए पहले पेंसिल से इस तरह से, कहाँ तक आप इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं, और इसको हम इस तरह से गोल कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी
गोल कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमने ये जो कटिंग की है इस पट्टी को हम बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और एक साइड से सिरे मिला लेंगे और इसके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, वो थोड़ी बड़ी करके हम रफ सिलाई लगाएंगे ताकि ये हिस्से हमारे आपस में जुड़ जाएं। मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें अगर कहीं से अपने बुकरम, ये देखिए यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है ऐसे लगती है, तो हम दोनों हिस्सों को बराबर कर लेंगे और इसी तरह से हल्की सी यहाँ से भी है। इसके बाद हमने ये जो गोल कटिंग की है इसको हम बीच में से फोल्ड करते हैं, फिर एक बार और फोल्ड करते हैं इस तरह से, और जो हमारे बीच का हिस्सा है, बंद हिस्सा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं और इस तरह से जो हमारे इस कटिंग की बंद साइड है उसको यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे से हमें इसको मिलाना है बिल्कुल। यहाँ पर हमने हाफ हिस्से का निशान लगाया क्योंकि खोलने के बाद ये हमारा इस तरह से आएगा डबल, और अब हम इसको खोल लेते हैं क्योंकि यहाँ से फोल्ड है, और खोलने के बाद केवल हमें नीचे का ध्यान रखना है, नीचे से ये हमारी पट्टी में इस तरह से आ जाना चाहिए और इस तरह से हमें इसमें मिला मिला के निशान लगाते जाना है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं और लास्ट में हमारा निशान पूरा आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमारा ये सिलाई में जाएगा, इस साइड से हमें सिलाई में दबाना है और इसके बाद हम इन्हीं निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग करते जाएंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इस सिलाई को उधेड़ देते हैं। इसके बाद हमने ये जो कटिंग की है हम इसको जो कपड़ा हमें बाजू के ऊपर लगाना है उसके ऊपर इस तरह से रखते हैं, और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप प्रेस से इसको पेस्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप इस तरह से बिल्कुल सीधी रखिए और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा दीजिए ताकि ये कपड़े से अटैच हो जाए। प्रेस से पेस्ट करने के बाद हम दोनों साइड से थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को मोड़ते हैं और इसके बीच में एक कट लगाते हैं। इसी तरह से हमने ये जो आगे से अपनी स्लीव्स की कटिंग की है इसमें भी बीच में एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम ये दोनों कट मिलाएंगे और इस तरह से हम जहाँ पर ये हमारी पट्टी आ रही है वहाँ से बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में हम सिलाई लगाएंगे, और हमारे बाजू का ये वाला हिस्सा उल्टा होना चाहिए और हम इसको सीधी साइड को पलटेंगे। ये सिलाई हमें थोड़ा आराम आराम से लगानी है क्योंकि हमारे कट कट बने हुए हैं, बिल्कुल बुकरम के बराबर में सिलाई आनी चाहिए नहीं तो हमारी ये शेप बिगड़ जाएगी। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे जो बीच में ये जो गहराई है कटिंग की, यहाँ पर हम कट जरूर लगाएंगे पूरी इस पट्टी के ऊपर, और बीच बीच में भी एक दो कट आप लगा लें। इसके बाद हम अपनी पट्टी को सीधी साइड को पलट लेंगे, सारे कॉर्नर बाहर की साइड निकालते हुए, और पलटने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस जरूर कर लें। सीधी साइड को पलटने के बाद हमें यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर
पूरी पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगानी है, और आप दो तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। या तो आप ये बारीक सी जो हमारी पाइपिंग दिखाई दे रही है इसको आप दिखाकर लगा सकते हैं, या फिर बिल्कुल इसको अंदर करके तब ये सिलाई लगा सकते हैं। और ये सिलाई भी हमें थोड़ा आराम आराम से लगानी है। इन कॉर्नर पर सिलाई लगाने के बाद हम यहां से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, और आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स लेते हैं और उसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, और उसके बीच में एक कट लगाते हैं, और इसी तरह से हमने आगे का ये जो डिजाइन बना है इसको भी हम बीच में से फोल्ड करते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स सीधी रखते हैं और अपने इस डिजाइन को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हैं, और ये दोनों कट मिलाते हैं, और जहाँ पर भी हमारा ये हिस्सा आता है वहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे और दूसरे हिस्से तक इसको उतार देंगे। इसके बाद हमारा जो साइडों से थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं दोनों साइड से। इसके बाद हम यहां पर एक सिलाई लगा देंगे, और ये कपड़ा हमारा नीचे की साइड होना चाहिए, और आप चाहें तो यहाँ पर भी कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। और इसके बाद आप जिस तरह भी स्लीव्स जोड़ते हैं उस तरह से आप जोड़ लें। आप पहले फिटिंग करके जोड़ते हैं तो फिटिंग करके जोड़ लें, और नहीं तो आप जैसे भी जोड़ते हैं आप उस तरह से स्लीव्स जोड़ सकते हैं। ये हमारे स्लीव्स का फाइनल लुक है, और मैंने यहाँ पर ये मैचिंग के बटन बनाकर लगा दिए हैं। और अगर आपको इस तरह के बटन लगाने हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसकी हल्की सी फिटिंग भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, और इसको हल्का सा लूज भी छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।